आप कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं नालंदा से। कौन नालंदा कहाँ से? कौन गांव से आए हैं? गांव से नहीं, हम नालंदा से आए हैं। नवंबर का स्पेलिंग बताइए। NOVEMBER। नवंबर या फिर ना लिखे हैं तो आप बोल गलत कह रहे हैं। मैडम लोग हैं उधर अलग खिस्सा गल बात कर रहे हैं और इधर से बच्चा एकदम कोई है ही नहीं कंट्रोल करने के लिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? चार अंक के बड़ी संख्या तीन। चार अंक के बड़ी संख्या तीन लग रहा है। घंटी लग रहा है अब हम लोग को देखे तो घंटी लग रहा है। चलिए आप लोग क्लास में। गया जिला है ना, गया जिला का DM साहब का क्या नाम है? रविशंकर। समय हुआ है 2:15। कोई कोई प्राइमरी विद्यालय के एक को तल्ला ना और लक्ष्मी बिघा वाला के तीन तीन तल्ला। सोचिए नमस्कार प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं पहाड़ी इलाका में और इस इलाका का क्या नाम है हमको नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पे सरकारी स्कूल के कुछ बच्चे हैं जो कि यहाँ पे खेल रहे हैं और बगल में सरकारी विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय। गांव का नाम पता नहीं चल रहा, हम नज़दीक में जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। और समय हुआ है 2:15। अगर समय सारणी की बात की जाए तो अगर टिफ़िन भी होता है तो 1:15 से 20 मिनट में टिफ़िन समाप्त हो जाता है। अगर 12:30 बजे होता है तो अगर 1 बजे भी टिफ़िन होता है तो 2 बजे समाप्त हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सब बच्चे इधर खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं अब इन्हीं लोग से जानेंगे। इधर क्या कर रहे हो बाबू तुम लोग? रुको रुको रुको, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? खेल रहे हैं। खेल रहे हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी स्कूल। कौन सी नाम है स्कूल के? विद्यालय लक्ष्मी का। प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मी का। अच्छा तो तू लोग इधर क्या कर रहा है? अभी तो पढ़ने का समय है ना, खेलना है। घंटी नहीं लगा? घंटी नहीं लगा? घंटी नहीं लगा? दो तो बज गया। लग जाएगा? लग जाएगा। चलिए आप लोग स्कूल में चलिए। पहले उधर आए? उधर सब लोग उधर। उधर भी पहाड़ के ऊपर भी? यस। लड़की लोग पहाड़ के उस तरफ अभी खेल रही है सब? यस। सोचिए मतलब कि यहाँ का जो टीचर लोग हैं वो कितना मनमानी है भाई। मतलब कि अभी यहाँ पे क्लास चलना चाहिए और सब लोग बचपन इधर बौख रहा है, बौख रहा है बोले तो खेल रहा है सब और कोई नहीं इन लोग को कहने सुनने वाला। उधर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बैट बॉल खेल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इधर पहाड़ पे गिरेंगे सब तो पता ना शहीद हो जाएंगे। तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पढ़ने आया है? पढ़ने आया है? हाँ। तो पढ़ने आते यहाँ पे क्या कर रहे हो? बैठे ले। बैठे ले कहा लगी? पढ़ाई नहीं हो रहा है? घंटी अभी नहीं बजा। चलो घंटी बजवाते हैं। 2:00 बज रहा है, घंटी कहाँ नहीं लगा है? चलो क्या चल रहा है यहाँ पे? वहाँ पे देखिए मैडम लोग हैं उधर अलग खिस्सा गल बात कर रहे हैं और इधर से बच्चा एकदम कोई है ही नहीं कंट्रोल करने के लिए। और इधर कुछ बच्चे हैं जो कि बैट बॉल खेल रहे हैं। आधा घंटा से हम वेट कर रहे थे कि कब घंटी लगता है, कब घंटी लगता है, लेकिन घंटी लगाने वाले नहीं लगता कि कोई नहीं है यहाँ पे। पूरा पहाड़ के बीचों बीच घिरा हुआ, अधिकारी पदाधिकारी आते हैं नहीं आते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। उधर रसोई घर है, इधर एक पुराना बिल्डिंग है और इधर ये लोग बैट बॉल खेल रहा है और हमको लगता है कि सुनो सुनो बाबू बैट बॉल तुम ही लोग का है? सर दिए हैं? हेडमास्टर। हेडमास्टर साहब दिए? तू लोग अभी टाइम नहीं हुआ है? यस हो गया है। हो गया तो आप लोग बैट बॉल अभी तक खेल रहे हैं? घंटी मारेगा तब जाएंगे। घंटी मारेगा तब जाएंगे? 2:15-20 मिनट हो गया। अब घंटी लग रहा है? घंटी लग रहा है अब हम लोग को देखे तो घंटी लग रहा है। चलिए आप लोग क्लास में चलिए। ऊपर देखिए पहाड़ पे सब बच्चा लोग खेल रहा है, गिरेगा तो क्या होगा सब? 2:15 बज गया, टिफिन होता है 12 बजे, मतलब 2-3 घंटा का घंटी चलता क्या टिफिन का? ऐसे पूरा मजाक बना करके रखा। तुम क्या मम पढ़ता है? पहला क्लास में। पहला तू इधर का खेल रहा भाई? टिफिन हुआ खेल रहा। कौन है हेड सर? कौन है आप लोग के हेड सर? अभी नहीं आया है हेड सर? नहीं आए हैं अभी? नहीं आया। अरे तरीके क्या है स्कूल का नाम? हटना 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 बाबू, प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मी। आप लोग टीचर हैं यहाँ के? आप टीचर हैं मैडम? आप टीचर हैं? तो टिफिन कितना देरी का होता है? टिफिन 1 घंटा का होता है। 1 घंटा का होता? कब लगा था टिफिन का बेल? 1:30 बजे। 1:30 बजे लगा था? टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है तो 1 बजे, लेकिन खाना नहीं बना था। अच्छा तो 1:30 बजे लगा था ना? तो बच्चा लोग ऐसा ही देखे तो पहाड़ पे खेल रहा, गिरेगा तो पता क्या होगा? गिरेगा। देखिए सर है, सर से बात करते हैं। इधर इधर आइए गौतम। ऊपर में एक सर है, हेड सर कौन है सर यहाँ के? बाहर गए। अच्छा आप यहाँ पे सहायक शिक्षक हैं? नहीं। हाँ। अच्छा सहायक शिक्षक के बाद बताइए सर कि ऐसे पहाड़ी इलाका है, बहुत सारा बचपन तो पहाड़ के उस तरफ जा करके खेल रहा है? सब पहाड़ के घर में, इसके बगल में मैं था। अच्छा तो ये लोग के देखभाल के लिए आप ही लोग ना हैं अभी फिलहाल? अभी टिफिन आप बैठेगा, घंटी लगा बैठेगा।
अच्छा कितना बजे टिफिन कितना बजे हुआ था? टिफिन हुआ 1:50 बताइए 1:40 लेट में खाना आज बना। नहीं कितना बजे टिफिन? हम नहीं देखे हैं तक घर ही। अच्छा बिना टाइम के चलता स्कूल? इसको देख खाना बनने में लेट हुआ पूछे रसोईया है जी? अच्छा रसोईया कने है? वे सब पीने रसोईया है। अच्छा आप लोग रसोईया हैं? लेट काहे कर दिया आप लोग? कैसे लेट हो गए? तो वो लोग तो बोल रहे हैं कि लेट हुआ है। जारन में कमी होता है कभी। जारन पे खाना बनता है जी? गैस नहीं है? गैस खत्म होने गैस। अच्छा ये तुम लोग क्लास में बैठो, चलो चलो तुम लोग क्लास में बैठो सब एकदम पूरा। के पाठक जी का कोई यहाँ पे डरे नहीं है भाई, देखिए देखिए कैसे हल्ला कर रहा है सब। चलिए मैडम क्लासरूम में चलिए, इधर आइए गौतम इधर आइएगा। ये रसोईया है प्राथमिक विद्यालय लच्छू बिघा का, और इसको दिखाइएगा यहाँ इसी पे बनता है ना मैडम, इसी पे बनता है ना। अच्छा गैस, अच्छा गैस गैस खत्म, कितना दिन से गैस खत्म है? गैस डेली बन रहा है खाना, गैस पर डेली गैस पे बन रहा है देखिए अभी भी खत्म। टंकी हो गया तो कुछ बनाए उसी जारन पर। क्या बना था? आज चावल बना, खिचड़ी बना, चोखा बना। चावल खिचड़ी और चोखा? नहीं खाली खिचड़ी चोखा चटनी टमाटर। खिचड़ी चोखा और टमाटर का चटनी बना था जी। आप एक रसोईया हैं? आप तीनों रसोईया हैं? यहीं के रहने वाले सब? हाँ जी सर। ठीक है आप सब लोग बचपन क्लास में बैठ गया है, ऑफिस कहाँ है? ये कौन सा क्लास है मैडम? 3 क्लास है। ये सब बचपन अभी खेल, इधर आइए गौतम ये सबको दिखाइए ये सब। अच्छा तुम लोग टाइम से कहाँ नहीं आते हो क्लासरूम में? घंटी नहीं लगता, घंटी नहीं लगा था इसलिए नहीं आए थे। ये आप अभी पढ़ा रहे थे मैडम? ये आप पढ़ा रहे थे? हाँ। अरे वाह 28/2/2024 संडे मंडे पढ़ा रही हैं, जनवरी फरवरी पढ़ा रही हैं, और इधर फल फूल का नाम है, जानवर का नाम है ना जी? मैथ पढ़ा रही है ना? मैथ बताए थे जोड़े सब भाग। 6 अंकों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9,909। अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? उधर देखिए कहाँ से आती है पढ़ाने? सरवादा से। कब से यहाँ पे पोस्टेड है? 2010 से पढ़ा रही है, सहायक शिक्षक है। हाँ। क्या नाम है आपका? पिंकी सिन्हा। पिंकी सिन्हा कौन से विद्यालय में पोस्टेड है? प्राथमिक विद्यालय लच्छू बिघा। ये सब आप ही लिखे हैं ना जी सर? नवंबर का स्पेलिंग बताइए। NOVEMBER। जनवरी का? JANUARY। नवंबर आप ही ना लिखे हैं जी सर? तो आप बोल गलत कह रहे हैं। NOVEMBER। अच्छा इधर भी आप ही पढ़ाए हैं ना जी? यहाँ पे 2010 से पढ़ा रही है। टोटल यहाँ पे टीचर कितना है? 6। आप कितने लेडीज हैं कितने जेंट्स हैं? 2 लेडीज 4 जेंट्स। हेड सर यहाँ का कौन है? श्री नवीन कुमार आजाद। आए हैं? आए थे चले गए। वाह ये पढ़ा रही है मैडम मैथ, और इनको ये नहीं पता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। 999 जी। अच्छा और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या? 100। बहुत बढ़िया। देश के उपराष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं पता है? मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? श्री नीतीश कुमार। राज्यपाल? अच्छा आप जिस जिला में रह रहे हैं वो कौन सा जिला है? मेरा घर तो है नालंदा जिला में, यहाँ पढ़ाते हैं गया जिला। ये गया जिला है ना? गया जिला के DM साहब का क्या नाम है? रविशंकर। नहीं क्या नाम है? बुला गए। वाह ये आप पढ़ा रहे थे भागा, भागा है ना सब्सट्रैक्शन डिवीजन? हाँ। डिवीजन ही पढ़ा रहे थे ना जी? डिवीजन मतलब क्या होता है? भाग दे। हैं? छोटा छोटा बच्चा है तभी जोड़ घटाओ ये सब। अच्छा आप यहाँ पे पोस्टिंग कब कैसे हुए थे? पंचायत शिक्षक हैं, प्रखंड शिक्षक? मुखिया जी बहाल किए थे जी? वाह मुखिया जी के बहाल किए हुए लोग नौनिहाल हैं। ये यहाँ पे चौक है, डस्टर है, और ये अटेंडेंस सीट है। और आप लोग क्लास में चलिए, इधर क्या कर रहे हैं? ये कौन सा क्लासरूम है? यहाँ पे सर हैं?
अच्छा हाँ सर हैं इधर, आइए गौतम। ये कौन सा क्लास है? ये 1-5 है। अच्छा 1-2। अच्छा क्लास ये स्कूल यहाँ पे 5 तक चलता है ना? हाँ 1-2 है। आप कहाँ से आते हैं सर? हैं आप कहाँ से आते हैं पढ़ाने? एकांगसराय से। एकांगसराय से आते हैं पढ़ाने? नालंदा से गया। आप कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं नालंदा से। कौन नाला कहाँ से? कौन गाँव से आए हैं? गाँव से नहीं, हम नालंदा से आए हैं। नालंदा साहब गए क्यों आए? गया है भाई दिखाने के लिए कि बचपन लोग खेल रहा था। तो यहाँ पढ़ाने के लिए आए हो? अच्छा भाई हम पूछ रहे हैं कि कांगर से जी जी। अच्छा ठीक है आइए इधर आना गौतम। हाँ ऊपर 4-5 है। आप क्या पढ़ा रहे हैं बचपन को? अभी गिनती गिनवा रहे हैं। गिनती गिनिए 1-10 तक। इधर आइए आप, इधर आइए। हाँ गिनिए 1-10 तक। बोलो एक दूसरे से गिनती है ना? हाँ गिनो गिनो ना। बोलो एक दो। बोलो तुम लोग भी बोलना पीछे से। बोलो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। के मां पढ़ती हैं आप? दूसरा टू क्लास में। 1-2 आता है? यस। 1-2 बोलिए 10 तक 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ABCD आता है? यस। ABCD में क्या अक्षर होता है? 26 ये सब 1 के 1-2 मात्र है। पहला और दूसरा क्लास के बच्चे ना? ये पहला दूसरा। अच्छा बहुत सारे बचपन लोग ड्रेस नहीं पहना हुआ सर। ड्रेस का पैसा नहीं आया तो जंद में करते हैं कि लोकल आदमी के पैसा नहीं आता तो नहीं सिलाते। अच्छा हेड सर नहीं आया आज? और आज आया थे, गए हैं अभी। कहाँ? ये तो ऊपर बताएंगे कहाँ गए। कहाँ गए मैडम? बथानी गए हैं जी। बथानी में BRC में रह गए यहाँ का? जी जी। अच्छा यहाँ का BRC बथानी में है ना? ये ऊपर है, उधर भी क्लासरूम चलता है? वो अच्छा वो बंद रहता है। अच्छा ठीक है ऊपर आइए गौतम। 4-5 क्लास के बच्चे ऊपर हैं। ये इधर देखिए, इधर मतलब कि जो बच्चे हैं वो खेल रहे थे ऊपर वो सब पहाड़ियों पे। आप सोचिए कि वो सब पहाड़ियों से बच्चे जब गिरेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, तो उन लोगों का क्या हाल होगा। और यहाँ पे 4 और 5 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। अंदर आ जाए सर। थैंक यू। नहीं गुड गुड आफ्टरनून हो गया, बैठ जाइए। ठीक है हाँ खड़े हो, खड़े रहिए आप खड़े रहिए, खड़े हो जाइए। अरे होइए ना खड़े, खड़े हो जाओ इधर। कोई नहीं हम तुमको मारपीट नहीं। इधर आओ ना। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 5 क्लास। क्या पढ़ रहे थे अभी? हिंदी किताब। हिंदी किताब सर? वहाँ पे स्पेलिंग लिखा रहे हैं और उसका मतलब बता रहे हैं। हैं एलिफेंट मतलब क्या होता है? हाथी। एलिफेंट का स्पेलिंग? ELEPHANT। कहाँ से आते हैं पढ़ने? प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीघा। अरे पढ़ने कहाँ से आते हैं? लक्ष्मीघा। अच्छा घर लक्ष्मीघा है। नाम क्या आपका? संटू कुमार। बैठ जाइए आप जी। अंकित कुमार। अच्छा आप लोग ड्रेस कहाँ नहीं पहन करके आए हैं? 2-4-5 लोग लगता है ड्रेस पहन करके आया। ड्रेस कहाँ है आपका? नहीं सिलाया। कहाँ है? सिलाएंगे इन साल। अच्छा इन साल सिलाइएगा जब नया पैसा आएगा तब। यस। चलिए ठीक है बैठ जाइए। आप लोग बाबू कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 5 क्लास। खड़े हो जाइए। सर क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी कॉपी। हिंदी का कॉपी पढ़ा रहे हैं? हिंदी का बुक पढ़ा रहे हैं? रीडिंग देने के लिए सिखवा रहे हैं क्या सर? यस। अच्छा रीडिंग देने के लिए सिखवा रहे हैं? यस। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 क्लास में। और क्या क्या पढ़ते हैं आप लोग? मेलिंग सब याद करते हैं। स्पेलिंग वगैरह याद करते हैं? यस। जनवरी फरवरी आता है? यस। जनवरी का स्पेलिंग बताइए। JNUARY। फरवरी? FEBRUARY फरवरी। पांचवा में पढ़ते हैं ना? यस। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। काजल कुमारी बैठ जाइए। आप कहाँ जाते हैं पढ़ने बाबू? ये देखिए प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे शायद। इधर आइए। हाँ पहले कहाँ पढ़ते थे? प्राप्तीय। कहाँ? नाम क्या था स्कूल का? ग्लोबल स्कूल प्राप्त। ग्लोबल स्कूल में पढ़ने। ये क्या लिखवाए हथवा पे? ओके पिके। ओके पिके अभी चलता है? हाँ तो जमाना सब बदल गया हम लोग के समय में। ओके के मैम पढ़ते हैं आप? 4 क्लास। 4 क्लास में। 4 का स्पेलिंग बताइए। कहाँ से आती है पढ़ने? खुखड़ी से। खुखड़ी से। और अभी क्या पढ़ रहे थे? बुक पढ़ रहे थे। आता पढ़ने? या लाए छोटी, देखे छोटी, लाओ बुक, लाओ बुक लाओ।
अच्छा कमजोर, ठीक है बैठ जाइए, आप कमजोर हैं, आपसे नहीं पढ़, आप पता पढ़ने, खड़ा हो जाइए, आप भी ओके पिक्के खेलते हैं हैं? कौन कौन ओके पिक्के खेलता है? मोस्टली स्टूडेंट खेलता है। अच्छा पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ इसमें। रमजान का महीना शुरू हो गया था, लोग रोजे रखने लगे थे, 10 साल का नन्हा असलम भी रोजा रखने की जिद करे। ईद के फेस्टिवल के बारे में बताया जा रहा है बच्चों को, और ये 4 और 5 क्लास के बच्चे हैं। आप कहाँ से आते हैं सर पढ़ाने? सरवाहदा खुशहालपुर एक गाँव है वहीं से। अच्छा सरवा, कब से यहाँ पे पोस्टेड है सर? 2013 से। 2013 से पोस्टेड है यहाँ पे। अच्छा हेड सर कहाँ गए आपके? अभी तो नहीं है, शायद BRC गए होंगे। शायद BRC गए होंगे ना जी। अच्छा आप लोग यहाँ पे स्पेलिंग बताने बच्चों को बता? लंच के पहले का है। अच्छा लंच का पहले का, अभी क्या बता रहे थे? अभी हिंदी बुक रीड। हिंदी बुक कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जनरली जो 1-5 में है। अच्छा 1-5 में जो जो सब्जेक्ट होता है वो सब पढ़ाते हैं। हिंदी, मैथ, SST और इंग्लिश कम ही होता है। इंग्लिश कम होता है, काहे कि इंग्लिश 10वां में पास हो चाहे फेल हो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए सर लोग भी कम में रख। अच्छा ये है मैं और मेरा विद्यालय, इधर आइएगा बाबू। रानी कुमारी का डायरी है। डायरी में क्या मिलता है आप लोगों को? उधर देखिए कैमरा में, इधर आइए मेरे पास। डायरी में क्या मिलता है? लिखने के लिए मिलता है। लिखने के लिए डायरी क्यों होता है सर? जो यहाँ होमवर्क वगैरह मिल रहा है उसको है? नोट कर लेना है। हाँ। ताकि घर में याद करने में दिक्कत ना हो कि क्या क्या मिला हुआ। अच्छा रानी कुमारी डायरी में क्या नोट किया है? रानी बताएगी क्या नोट किया बाबू। सर दिन जेवली नोट किया। अच्छा इसके पहले का क्लास कल तो था ना क्लास? कल तो स्कूल था। कल डेट था कितना? कल नहीं आए था। अच्छा कल आप नहीं आए थे, तो कल का तो यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। जी घर लिखे थे। अच्छा घर क्या क्या लिखे हैं इसमें बताइए। 1 से लेकर 25 तक पहाड़ और हिंदी व्याकरण संज्ञा याद करें। संज्ञा याद करें, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु जानवर थान स्थान भाव नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अच्छा ठीक ठीक है बैठ जाइए। कौन के मां पढ़ते हैं आप? पांचवा क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ पे 4th और 5वां क्लास के बच्चे हैं ना सर? अरे आप लोग ड्रेस वगैरह सिलवा करके आइए पढ़ने के लिए, ठीक है? आप जी आप तो अभी हीरो बन रहे थे वहाँ पे ग्राउंड में है? क्या आप 5वां पढ़ते हैं ना? ड्रेस कहाँ है आपका? फिंचा गया। आज कौन सा दिन? आज बुध है, बुध को तो साफ रहता है, संडे को ना फिंचाता है? यस। अच्छा बोल रहे थे कि सर बहुत पढ़ाते हैं, मैडम भी बहुत पढ़ाते हैं ना? यस। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंक की बड़ी संख्या 3। बढ़िया से हक पकाना नहीं। 4 के बढ़िया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। चार के बाद? अरे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या? 9। तू 5वां में पढ़ता है भाई, तू बोल रहा है कि 5वां पढ़ता है ना? यस। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? नहीं पता है। तू हाँ 999। 4 अंक के? 4 अंक के नहीं बता रहे हैं। अरे बाप बताओ भाई। 999 पहले का नहीं बता रहा था तो? गुना कर रहा था। गुना करने वाली बात है? के नमय काशी होता है? नमय काशी तो इसमें गुना करने की बात है, उसमें नहीं गुना करने की बात है कि के अंकों की बड़ी संख्या। कौन से राज्य में रहते हैं आप? बिहार राज्य। बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री कौन है? श्री तेजस्वी यादव। अच्छा और मुख्यमंत्री? श्री नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, ठीक है याद कर लीजिए। कौन है बाबू? सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, याद रहेगा ना? यस। चलिए ठीक है, ये 4th 5वां क्लास के बच्चे हैं। और इधर आप रसोईया हैं, आप यहाँ के ग्रामीण हैं ना? हाँ। ग्रामीण है। इधर वाला क्लासरूम में पढ़ाई लिख मतलब कि बच्चे कम हैं तो वो बंद रहता है मोस्टली, है ना सर? वो वाला क्लास ऊपर भी चलता है क्लास क्या? ऊपर आइएगा तो नहीं देखते हैं। 3rd फ्लोर का प्राइमरी विद्यालय है, और हमको लगता है कि प्राइमरी विद्यालय में हम पहली बार इतना बड़ा बिल्डिंग में आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। 3 तल्ला है, कोई कोई प्राइमरी विद्यालय के 1 तल्ला ना, और लच्छू बिघा वाला के 3-3 तल्ला। सोचिए यहाँ पे धान पसारा हुआ, कोई ग्रामीण वगैरह का होगा वो यहाँ पे पसार दिए हैं,
पीछे का जो दृश्य है वो बहुत ही मनमोहक है, लेकिन उसके साथ साथ डेंजरस भी है, क्योंकि बच्चे उस पर खेलते हैं और कब गिर जाएंगे, कब क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, भगवान मालिक है। लंच के बाद बच्चे लोग फील्ड में खेल रहे थे खुलेआम, जब हम लोग आए तो सर लगाए घंटी, मैडम लगाए घंटी, हमको नहीं पता है, लेकिन हम लोग के आने के बाद घंटी लगा। और अगर ऐसा ही रवैया प्रत्येक दिन रहता होगा तो सोचिए कि बच्चों को क्या यहाँ पे पढ़ाया जाता होगा। जो मैडम है वहाँ पे, पता नहीं क्या नाम बताई थी सिन्हा, वो यहाँ पे 2010 से तैनात हैं, उनको जो हम पूछे उसका जवाब नहीं दे पाए और पता नहीं वो कैसे पढ़ा रहे थे बच्चों को। बाकी आप इस विद्यालय की व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।